अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। खारघर में नागरिकों ने साफ किया उद्यान, पनवेल मनपा और सिडको की भूमिका पर सवाल, नगर सेविका हर्षदा उपाध्याय की पहल। प्रशासन की उपेक्षा का शिकार सेक्टर 4 का यह ऐसा उद्यान है जिसे साफ करने के लिए आज स्थानीय नागरिकों और बच्चों को खुद उतरना पड़ा है। नगर सेविका हर्षदा अमर उपाध्याय के प्रभाग का यह उद्यान सिडको और पनवेल मनपा के हैंडओवर प्रक्रिया में अटका हुआ है। मनपा की दलील है कि जब तक यह ट्रांसफर नहीं होता तब तक इसके रख रखाव का काम नहीं कर सकते। ऐसे में मच्छर और गंदगी यहाँ आने वाले बच्चों और नागरिकों के लिए मुसीबत है। नगर सेविका हर्षदा अमर उपाध्याय ने कहा कि हमने नागरिकों की इन मुश्किलों को देखते हुए खुद स्वच्छता अभियान चलाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हैंडओवर होते ही हम यहाँ विरंगुला केंद्र समेत कई सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सेक्टर 3 आणि 4 च्या नागरिकांना सोबत घेऊन खारघर वॉरियर्स है एक वॉलीबॉल टीम ची वॉलीबॉल खेळणाऱ्या टीमचं नाव आहे खारघर वॉरियर्स आणि या सोसायटीतल्या राहणाऱ्या रहिवाशांना घेऊन त्याच्यात इन्क्लूडेड लहान मुलं देखील होती। त्यांना सगळ्यांना असं वाटत होतं की आपल्या सेक्टर आपला खारघर आपलं सेक्टर हे स्वच्छ असलं पाहिजे, त्यामुळे ही मोहीम आपण इथे राबवलेली आहे। आज आपण बघू शकतात की इथे हा जरी ही गार्डन असलं तरी इथे तसे खेळण्याचे इक्विपमेंट्स वगैरे नाही आहेत जे आपण सिडकोकडे वेळोवेळी मागणी करत असतो पण त्याची पूर्तता अजून तरी झालेली नाही, त्यामुळे आम्ही आता फायनल असं डिसिजन घेतलं आहे की हे गार्डन आपण क्लीन करायचं आणि नगरसेवक निधीमधून इथे काही इक्विपमेंट लावून द्यायचे जेणेकरून या खरंच या गार्डनचा उपयोग लहान मुलं खेळण्यासाठी वापरू शकतात। या वतीने तर मी आपल्या पालिकेलाच विनंती करीन की लवकरात लवकर आपण सेग्रिगेशनचं हे जे ओला कचरा सुका कचरा हे जे अगोदर आपण मोहीम राबवली होती तशाच प्रकारे पुन्हा सुरुवात करीन, कारण की लोक जागरूक आहेत, त्यांना करायचं आहे, फक्त पालिकेचा हात हवा आहे आणि वेळोवेळी पालिका मदत करणारच आहे। थोडीशी थोडा वेळ लागतो या कारणामध्ये हो, पण नक्कीच सेग्रिगेशन हे नागरिकांपासून सुरुवात होणारच आहे आणि नक्कीच आपली पनवेल महानगरपालिका ही सक्षम होणार आहे त्या वतीने। यहाँ पे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि इस गार्डन के ठीक बगल में एक प्लॉट है जो कुछ महीनों पहले ऐसी डिब्रीज और कचरे से भरा था, तो सेक्टर 3 और 4 के रेसिडेंट्स ने मिलकर उसको क्लीन करके वहाँ पर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और वॉलीबॉल खेलने के बाद एक टीम बनी जिसका नाम है खारघर वॉरियर्स। और खारघर वॉरियर्स के सपोर्ट से और हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेविका हर्षदा उपाध्याय मैडम उनके सपोर्ट से आज हम लोगों ने यहाँ पे एक स्वच्छता अभियान किया बगल के गार्डन में। उसका कारण ये था कि आप सब लोगों को पता रहेगा कि सिडको और महानगर पालिका के बीच में आज जो हम लोग एमिनिटीज़ को लेके जो जूझ रहे हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आज बहुत सारी चीज़ सिडको को महापालिका को हैंड ओवर करना है लेकिन चीज़ नहीं होने की वजह से आज सिडको के गार्डन की भी जो हमारे ठीक पीछे उसकी बहुत ही गंदी अवस्था है और उस को देखते हुए बहुत लगातार लोगों की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी। लेकिन जब महानगर पालिका को हम बोल रहे थे कि इसको क्लीन कराओ तो उनका कहना था कि ये सिडको के अंडर में है, और जब सिडको को बोल रहे थे कि आप इसे साफ कराओ तो वो कह रहे थे कि हमें अभी हैंड ओवर होने वाला है। तो दोनों ही अपनी जवाबदारी से हटकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो रहवासी थे बहुत त्रस्त हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो हमारे जो सभी नागरिकों ने मिलकर सेक्टर 3 और 4 के और बाकी के बाहर के सेक्टर के लोग भी यहाँ पर आए और उन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज यहाँ पर पूरी तरह जो उद्यान है जो गार्डन है ये क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद एक अच्छा मैसेज यहाँ पर हमारे सभी युवा पीढ़ी ने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की कि ये उद्यान जो है यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि यहाँ पर ऐसी हरकतें किए जाए जो समाज के प्रति ठीक ना हो और गंदगी ना करें। तो एक अच्छा यहाँ पर अवेयरनेस युवा पीढ़ी के माध्यम से बच्चों के माध्यम से हमने ऑलरेडी पनवेल महानगर पालिका को प्रस्ताव दिया है, जल्द ही यहाँ पर जब ये उद्यान जो है हस्तांतर हो जाएगा
महानगर पालिका को, तो हमने यहाँ पे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए विरंगुड़ा केंद्र बनाने की डिमांड ऑलरेडी की है, लेकिन जब तक ये हैंडओवर नहीं होगा तब तक इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो नगर सेविका हर्षिता उपाध्याय के माध्यम से हैंड ओवर होने के बाद यहाँ पर जल्द से जल्द एक सीनियर सिटीजन लोगों के लिए विरंगुड़ा केंद्र हो जाएगा, जो हमारे पूरे गार्डन पर भी ध्यान रखेंगे और स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे। बता दें कि नगर सेविका द्वारा उद्यान की इस स्वच्छता पहल पर स्थानीय नागरिकों ने भी खुशी जताई और उनके समर्थन में श्रमदान करते हुए साफ सफाई की। इस अभियान में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अमर उपाध्याय से कंप्लेन किया, अमर जी ने तय किया कि आज हम सब मिलके स्वच्छता अभियान चलाएंगे। अभी सरकार का स्वच्छता अभियान चालू है, उसके अंतर्गत भी हमको एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं हमारे अमर उपाध्याय जी को, इसने इनिशिएटिव लिया और उसके साथ साथ सेक्टर 3 और 4 और ओरियर टीम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं कि उसने मिल के एक बड़ा अभियान चलाया और आज उन सभी ने मिल के जो स्वच्छता का अभियान किया है, मोर को बहुत खुशी हो रही है। ये गार्डन को स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है सभी की, जो नागरिक हैं उनकी भी। अपने घर का कचरा यहाँ ना फेंकें, या यहाँ पे आते हैं हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, बड़े बूढ़े लेके आते हैं, तो जो भी कचरा खा पी के वो यहाँ अगर फेंकते हैं तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा होने से कभी कभी जब खाने पीने की चीज़ें होती है कुछ होता है तो सांप वगैरह इस तरीके की चीज़ें स्नेक वहाँ पर रहते हैं तो उनसे भी बच्चों को हानि हो सकती है। तो यहाँ पे भी इस गार्डन में भी कचरे की इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। आमचा प्रभागाचा नगर सेविका हर्षदा उपाध्याय आणि त्यांचे मिस्टर अमर उपाध्याय यांनी आमच्याकडे माहिती दिली की सेक्टर 4 गार्डनची स्वच्छता केली जाणार आहे आणि तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे। आमच्या सगळ्या शांतिगुण सोसायटीतल्या त्वरित सर्व लहान आणि तरुण मंडळींनी पुढाकार घेत सकाळी 9 इथे सर्वजण आले, सर्व गोळा झालेला कचरा ड्राई आणि वेट इवन त्याच्यामध्ये काचेच्या बाटल्या आहेत आणि इतरसुद्धा अस्वच्छता आहे, तर नागरिकांनी स्वतःसुद्धा स्वच्छतेचं भान रखावं। आमच्या मुलांनी स्वच्छता केलेली आहे, आता इथून पुढे आपण असंच स्वच्छ खारघर मेंटेन करू। आणि या ठिकाणी सगळ्याच सोसायटींनी सहभाग घेतला आणि या गार्डनच्या आजूबाजूला असलेल्या सोसायटीवाल्यांना सुद्धा मी या माध्यमातून अपील करेन की तुमच्या सोसायटीतून गार्डनमध्ये पडणारा जो कचरा आहे त्यावर थोडासा निर्बंध घालावा। आमच्या विभागातील नगरसेविका उपाध्याय मॅडम, त्यांचे मिस्टर अमर उपाध्याय, दरवेळेला काही ना काही नवीन त्यांच्या ॲक्टिव्हिटी असतात, त्याचप्रमाणे आजही त्यांनी एक स्वच्छता अभियान ची ॅक्टिव्हिटी सुरू केलेली आज, त्या सेक्टर 3 आणि सेक्टर 4 सगळ्या आमची लहान मुलं आणि परिसरातील सगळी लोकांनी ह्या अभियानात सहभाग घेतला। शाम को हम लोग इधर खेलने आते हैं तो मैंने एक दिन देखा कि इधर बहुत कचरा पड़ा हुआ था, तो मैंने मेरे दोस्तों से बोला कि हम लोग इधर से ये कचरा उठाते हैं, तो उन लोगों ने हाँ बोला, तो उसके लिए आज सवेरे हम लोग ने वो काम किया है। आम्ही रोज इथे खेळायला होतो त्यावेळेस इथे खूप कचरा पडलेला असतो, त्याच्यामुळे आम्हाला त्रास होतो, वेगवेगळे रोग होतात, त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या पालकांना विनंती केली की तुम्ही आपल्या एरियामधल्या कार्पोरेटरना सांगा, तर त्यांनी आमच्या पेरेंट्सने त्यांना जाऊन सांगितलं, तर त्यांनी आज आम्हाला 9 सगळ्यांना या एरियातल्या सेक्टर 3 आणि 4 बोलवलं, तर आम्ही सगळी ही साफसफाई केलेली आहे, सुका कचरा वेगळा आणि ओला कचरा वेगळा, अशी मोहीम आम्ही राबवली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।